फ्री का माल आ चुका है दोस्तों, वो भी जियो सिनेमा के अंदर, जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश। ये एक एडल्ट क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसके टोटल 2 एपिसोड को आज के दिन रिलीज कर दिया है और कहा है कि हर दिन 1 एपिसोड रिलीज करेंगे। अभी इन 2 एपिसोड के बारे में अगर मैं रिव्यू करूँ ना, तो आप दबंग मूवी, सिंघम मूवी और भौकाल वेब सीरीज अगर तीनों को इकट्ठा करो तब बनती है इंस्पेक्टर अविनाश नाम की वेब सीरीज। इसके अंदर कहानी के नाम पे आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा तो कुछ गाली गलौज, अभद्र भाषा का यूज, एडल्ट सीन और अच्छी खासी रणदीप हुड्डा की एक्टिंग। बाकी ओवरऑल आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप भी वैसी ऑडियंस हो जिसको अभद्र भाषा, एडल्ट सीन, फिर थोड़ी गाली गलौज, थोड़े बहुत एक्शन, अगर ऐसी चीज़ें देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपको चिल्ला चिल्ला के पुकारेगी कि आओ और मेरे मज़े लो, क्योंकि ये वेब सीरीज़ उसी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाई है दोस्तों। और अगर स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे यूपी का एक एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग खुद को दबंग कहते हुए घूमते रहते हैं, तो उन सबकी दबंगाई निकालने के लिए पुलिस फोर्स एक नई टास्क फोर्स का निर्माण करती है जिसे कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स। और उसी टास्क फोर्स का हिस्सा होते हैं हमारे इंस्पेक्टर अविनाश। और यहाँ पे इंस्पेक्टर अविनाश होते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो हर दबंग को पीछे से ऐसा गोली मारते हैं ना कि भाई पिछवाड़ा लाल कर देते हैं, मुंह से खून निकल देते हैं। और यहाँ पे इंस्पेक्टर अविनाश की बात करें तो रणदीप हुड्डा ने बहुत अच्छी तरीके से उनको पोर्ट्रेट किया है। और मेकर ने कहा है कि 1990 के अराउंड की ये स्टोरी है और ये पूरी स्टोरी ट्रू इवेंट पे बेस एक फ्रिक्शनल स्टोरी की तरह हमने आपके सामने पेश की है। बहुत अच्छी तरीके से दूसरे भी सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें अपना किरदार निभाया, फिर चाहे वो उर्वशी रावतेला हो या हमारे शालीन बनोट, सब ने अपने हिसाब से अच्छा खासा काम किया है। हालांकि इसमें नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसका BGM अच्छा नहीं है, इसका वो एडिटिंग भी थोड़ा मिक्सअप जैसा है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा नहीं है। ओवरऑल ये ऐसा पैकेज है कि आपको वो कहे ना कि अभद्र भाषा, एडल्ट सीन, और थोड़ा बहुत गाली गलौज, मारा मारी, डिश्क्यों, ये देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपको पसंद आ सकती है। अगर आपको ये सब देखना पसंद नहीं है तो आप आराम से इसे स्किप भी कर सकते हो, इतनी माइंड बॉगलिंग भी वेब सीरीज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज के बारे में, जो कि जियो सिनेमा में फ्री में देखने को मिलती है, मुफ्त में, तो आपको देखनी हो तो जाके देख सकते हो। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ना तो ये भी फ्री में देखने को मिलता है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।